चंपावत उपचुनाव में जीत की घोषणा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी व पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद दिया। इसके उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर नरेंद्र सिंह भंडारी से निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। लक्सर में सीएम की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखा गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। भाई की भूमि है, भाई आगे वाले का सर है। यहाँ के सभी महान देवपुत्र हमारे प्रताता हैं, भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथ नीचे कर भाई, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद ये जिम्मेदारी दी थी और आज चंपावत क्षेत्र की महाजनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके ऋणी हैं, आदरणीय कैलाश दा के उन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ की क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद दिया है। हम उसको विकास के रूप में जो उनकी अपेक्षाएँ हैं, जो यहाँ के आए उनकी अपेक्षा और प्रतीक्षा अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भारत के मानचित्र में हमारा ये चंपावत क्षेत्र आए उसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम। पुष्कर सिंह धामी विजय हुए हैं। सब कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और पूरी खुशी की लहर है पूरे उत्तराखंड में, और भारी मतों से विजय प्राप्त हुई है। और जैसे पहले से काम कर रहे थे उससे भी बेहतर आगे अपना कार्य करेंगे। अपने पुष्कर सिंह धामी जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उनकी खुशी में पूरे लक्सर में हमने लड्डू वितरण किया।